Lux Hum Women Leaders Awards 2020 presents the Path to Excellence of Jalila Heather. Jalila Heather is the first female attorney of the persecuted Hazara community. A political rights activist from Balochistan, she is the founder of We, the Humans Pakistan, a non-profit organization which aims to strengthen vulnerable women and children of local communities. Ms. Heather provides free counseling and legal services to women facing sexual harassment, domestic violence, and property disputes. Additionally, she is a crusader for minorities and religious rights. Despite intimidation and threats from factors in her fight against ethnic violence, Ms. Heather remains undeterred. In 2014, she was selected as an Atlantic Council Emerging Leaders of Pakistan Fellow. And in 2019, she made it to BBC's list of the 100 most inspiring and influential women from around the world. Hum Women Leaders Award acknowledges the efforts of Jalila Heather for her interfaith harmony. मेरे वालिद जिनके साथ मैं बहुत क्लोज थी और जिन्होंने मुझे किताबें पढ़ने पे बहुत मोटिवेट किया था, उन्होंने सुसाइड किया जब मैं 12 इयर्स की थी. तो उसने मुझे बहुत मूव किया था और मैं बहुत सीरियस हो गई थी अपने लाइफ में बनिस्बत दूसरे बच्चों के. व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब एज अ चाइल्ड? मेरा ड्रीम जॉब ऐसा था, मेरे वालिद हालांकि वो कंजर्वेटिव आदमी नहीं थे और वो तोहमात पे बिलीव नहीं करते थे, पर वो अजराए मजाक हमारा हाथ दे के कहते कि ये बेटी तो वकील बनेगी, क्योंकि मैं उनसे बहुत सवाल करती. मिसाल के तौर पे एक दफ़ा दरवाजे पे हमारे कोई आया, अब्बा हमेशा कहते थे सच बोला करें, तो अब्बा ने ये कहा कि जाके उनको बता दे कि मैं घर पे नहीं हूँ. तो मैंने उनको देख के कहा, मैंने कहा खुद कहते सच बोले भी मैं आपके लिए झूठ बोलूँ, तो उस पर वो इतना हंसे और उन्होंने कहा जाके कहे मैं घर पे, और वो मुझसे सॉरी किए इस बात पर. तो स्ट्रगल ऐसा था कि फिर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस सामना करना पड़ा, जो फिर हमारी वालदा जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी उस ज़माने के लिहाज से, उन्होंने होम स्कूल शुरू की और बच्चों को पढ़ाते. उस ज़माने में जनरल मुशर्रफ साहब ने कोई नॉन फॉर्मल स्कूल शुरू किए थे, तो मेरी वालदा भी उसी में एक टीचर होती थी और उसी के तनख्वाह से और फिर ट्यूशनें पढ़ा पढ़ा के उन्होंने हम सब बहन भाइयों को पढ़ाया. व्हाट मोटिवेटेड यू एज अ यंग गर्ल? हमारी अम्मा बहुत हमारी मोटिवेशन होती थी, उन्होंने कभी हमें फील होने नहीं दिया, पर हमें एहसास ज़रूर दिलाया कि हमने बहुत कुछ करना है अभी, क्योंकि वो कहती कि हम जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के तबकों की निजात है वो सिर्फ तालीम में ही है, क्योंकि हम तो कैपिटलिस्ट नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे नहीं है कि हम फ्यूचर में रिसोर्सेज करें. पर कुछ था जो मुझे पुश करती थी या मेरे दूसरे बहन भाई को, वो हमारे घर की तरबियत थी कि हमने कुछ करना है. जैसे वालिद साहब कहते वकील बनना है, तो मेरा ख्वाब था कि मैं वकील बनूंगी. मुझे याद है एक बार हमारे राशन में सिर्फ चावल रह गए थे और मेरी अम्मा जो है कोई खातून है और उसने इसे ही शेयर किया था कि जो है वो मेरे बच्चे कालीन बनाते हैं, तो उनका दिल कई अरसे से चावल खाने को चाह रहे, हमारे पास नहीं है. तो मेरी अम्मा ने वो जो है राइस उनको दिया था और फिर हमें दोपहर को ये ऑमलेट अंडा वगैरह बना के दिया. हालांकि हमें पता था उस दिन हमारे घर बिरयानी पकनी है, तो शी सेड के वो कोई और को मैंने दे दिया और मैं उसके साथ बैठ के रोई भी, शी सेड. तो वो चीज़ हमें एहसास दिलाता था मुस्तकिल के, हमने ना सिर्फ अपने आप को निजात दिलाना है पर हमने सोसाइटी के भी निजात का जरिया बनना है. When did you think that you have become successful? मुझे लगता है मैं अभी तक कामयाब नहीं हुई हूँ. हमारी कामयाबी तो जब होगी जब हमें लगेगा कि जहाँ हमारे लोग जो मार्टिन लूथर किंग के आए हैं फॉर ड्रीम, कि कोई किसी के नस्ल जबान कौम उसके जेंडर के बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट ना हो, खासकर क्लास के. क्योंकि जो मेरे मैं छोटी थी तो मेरे मोहल्ले में कुछ बच्चियाँ होती थी जो बहुत गरीब थे, और मैं मेरे वालिद एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स किया हुआ था कि इस टाइम के बाद बच्चे घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो मैं टाइम निकाल के चुपके से उनके घर जाती थी और उनके साथ खेलती थी. तो उनके पास सुई गैस का कनेक्शन नहीं होता था, वो लकड़ियों पर रोटियाँ पकाते थे, तो
तो जो क्लास का जो फ़र्क है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने उन्हीं से इंस्पायर होके 2005 से 2009 तक जो है वो जूता पॉलिश करने वाले बच्चों को एक चैरिटी स्कूल में पढ़ाया और 300 बच्चों को मैंने बेसिक पढ़ना लिखना सिखाया, जो मुझे नहीं पता वो कोई डॉक्टर या साइंसदान बने, बट आई नो साइन बोर्ड्स पढ़ना सीख चुके थे। योर मैसेज फॉर द वुमेन ऑफ टुमारो। मुझे लड़कियों के लिए ख़ास ये कहना है कि खुद को ये जो रिवायती बंधन है उससे आपको निकालना होगा। औरत का जो एम्बिशन है, ऑफ कोर्स लाइफ पार्टनर ज़रूरी है शादी, मगर वो उसका मंजिल नहीं होना चाहिए। मर्द भी शादी करते हैं मगर मर्द शादी को अपना मंजिल नहीं बनाते। हमारे यहाँ अक्सर लड़कियाँ जो है उनके जहन साजी होती है बचपन से, उनको गुड़ियों के साथ खिलाया जाता है कि ताकि वो बच्चे पालने की ट्रेनिंग करें। इसी तरह जब वो बड़े होते हैं तो उनके जहन पे ये बर्डन होता है कि इसकी एज निकल रही है, इसकी शादी करनी है। तो ये जो है लड़कियां जो है इसको ना बनाए, पहले खुद बने। जब आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं, अपने जेब से आपके पास पैसा आता है, आप उसको खर्चते हैं, तो आप फिर अपने रिश्ते बराबरी के बुनियाद पर चलाते हैं। आप किसी के ज़ेर तसल्लुत नहीं होते, और अगर आप किसी के अंडर रहते हैं तो आप हमेशा सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड और महकूम रहते हैं। Your thoughts about Hum Women Leaders Award? मैं बहुत खुश हूँ ये हम अवार्ड के लिए, क्योंकि मुझे हार्डली कोई अवार्ड मिलता है, क्योंकि लोग हमारे जैसे जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अच्छा ये तो सड़कों पे नारे मारती है, ये तो अदालतों में होती है, पैसे लेती है। हालांकि मैंने 400 से ज़्यादा खवातीन के मुफ्त केसेस किए हैं, अभी तक उनसे एक रुपया नहीं लिया। तो जब ये चीज़ें होती है ये एक रिकग्निशन होता है जो लोगों को बताता है कि नहीं, कि जो हमारा भी रास्ता सही रास्ता है, हम जो इस लोगों के फ्यूचर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमें अवार्ड जो पाकिस्तान में हो रहा है। सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट्स ऑफ दीज रिमार्केबल वुमेन।